खेल निर्माण का उद्योग एक लंबे समय तक चलने वाला उद्योग है। इस उद्योग के लिए कुछ बड़े आयोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए विशेष तरह की मशीन की आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल में लेकर आए हैं खेल बनाने का उद्योग कैसे शुरू करें। इस वीडियो में हम आपको कच्चे पदार्थ और मशीनरी की पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको स्क्रीन पर बेल बटन दिखाई देगा। बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे आने वाले सारे बिजनेस आइडियाज की वीडियोस आपको YouTube पर आ जाए करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खील बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। इसके लिए काम आने वाली आवश्यक सामग्री में नेल वायर है। इसका प्रयोग करके विभिन्न तरह के कील बनाए जाते हैं। ये वायर अलग अलग क्रॉस सेक्शन में पाया जाता है, अतः अपने द्वारा बनाए जाने वाले कील के अनुसार वायर खरीद लें। कील बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कहाँ से खरीदें? ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब मैं आपको कील बनाने की प्रक्रिया बताती हूँ। मशीन स्वचालित होने की वजह से कील बनने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। मशीन के सामने वायर का डायल इस तरह से सेट किया जाता है कि वह घूम सके। वायर का एक हिस्सा नेल मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है। मशीन के चलने पर उस वायर से कीलें खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती हैं। एक मिनट में कम से कम 250 से 300 पीस कीलें बनती जाती हैं। कील की पॉलिशिंग। इसके बाद बनी हुई कीलों को पॉलिशिंग मशीन में डालना पड़ता है। पॉलिशिंग से कीलें नई दिखने लगती है। इसमें लकड़ी की भूसी का प्रयोग होता है। इसके बाद किसी तरह के लुब्रिकेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कील बनाने के लिए मशीनरी। नेल मेकिंग मशीन थोड़ी महंगी आती है, किंतु एक बार यदि ये मशीन बैठा ली जाए तो एक लंबे समय तक कील बनाई जा सकती है। ये मशीन पूरी तरह से स्वचालित होती है, जिसे आसानी से नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है। कील का निर्माण मुख्यतः दो तरह की मशीन से होता है। एक में कील बनती है और दूसरे मशीन में ये पॉलिश किया जाता है। ये दोनों मशीन एक सेट में आते हैं। आप इन मशीनों को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कील बनाने का व्यापार शुरू करने में लागत। इसमें उपयोग होने वाले नेल वायर की कीमत 30,000 से 40,000 प्रति टन है और मशीन सेट की कीमत कम से कम 4 से 5 लाख तक की होती है। इस तरह से व्यापार शुरू करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सेटअप, मशीनरी आदि सभी चीजें शामिल होता है। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको 1,000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता पड़ सकती है। कील बनाने के व्यापार के लिए लाइसेंस। इसके लिए आवश्यक लाइसेंस लेना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि इस उद्योग में पूरा मशीनरी सेटअप हो जाता है। लाइसेंस के लिए अपने लोकल अथॉरिटी को आवेदन पत्र दिया जा सकता है, यहाँ से बहुत जल्द आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। कील की पैकेजिंग, इसके पैकेजिंग के लिए जूट के बोरे का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। कीलें नुकीली होती हैं, अतः प्लास्टिक के बैग्स के फटने का डर रहता है। पैकेजिंग के समय बाजार के विभिन्न हार्डवेयर दुकानों में दिया जाने वाली मात्राओं को ध्यान में रखें। उन्हीं मात्राओं के अकॉर्डिंग 5 किलो और 10 किलो का पैकेट तैयार करें। कील बनाने के व्यापार में मुनाफा, 8 घंटे रोज मशीन चलने पर दिन भर कम से कम 500 से 600 किलो कीलें बनाई जा सकती हैं। यदि सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट छोड़ दी जाए तो प्रति किलोग्राम पर 5 से 6 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। इस तरह महीने भर में 60,000 से 70,000 तक कमाया जा सकता है। कील बनाने के व्यापार की मार्केटिंग, इसकी मार्केटिंग हार्डवेयर मार्केट में की जा सकती है, अतः शहर के सभी बड़े और छोटे हार्डवेयर दुकानों में शुरू में जरा सस्ते दाम पर बेचना सही रहता है। मार्केट पकड़े जाने पर पुनः बाजार की कीमत पर अपना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार हैं।